तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे कोई नई वीडियो में। और आज किस वीडियो में आपको जगन्नाथ पुरी के नए परिक्रमा कॉरिडोर को दिखाने वाला हूँ, और साथ ही साथ मैं आपको इसकी सारी जानकारी भी शेयर करने वाला हूँ कि आसपास की व्यवस्था कैसे कर दी गई है। और अब ये नया कॉरिडोर जो है वो खुल गया है, तो सारी जानकारी फुल टूर के साथ मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करने वाला हूँ। तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, और ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आपने नहीं किया तो। तो अभी हम पुरी के ग्रैंड रोड के पास में हैं, और यहाँ से इस तरफ आप चलते जाएंगे तो आपको वहाँ सामने मंदिर दिख जाएगा। और रात का दृश्य आप देख सकते हैं, कितना सुंदर दृश्य है यहाँ पे। और मंदिर से रेलवे स्टेशन की दूरी 1 किलोमीटर की है। इसके अलावा आपको यहाँ तक भुवनेश्वर से भी बसें मिल जाएंगी। आसपास रहने की बात की जाए तो आपको काफ़ी धर्मशाला, होटल, लॉज वगैरह दिख जाएंगे जहाँ पर आप रुक सकते हैं। जब ज़्यादा भीड़ होती है तो थोड़ा रूम मिलना मुश्किल होता है थोड़ी, पर आप कह सकते हैं कि आपको मतलब 1000 रुपये तक का एक दिन का कमरा मिल ही जाएगा। अभी खाने पीने की बात की जाए तो आपको जगह जगह पे रेस्टोरेंट दिख जाएंगे जहाँ पे आप कई चीज़ें खा पी सकते हैं। नॉर्थ इंडियन हो, साउथ इंडियन हो, चाइनीज़ हो, काफ़ी कुछ मिल जाएगा। मंदिर के अंदर फ़ोन लेके जाना मना है, इसलिए आपको जो शू और मोबाइल है वो आपको रखना पड़ेगा यहाँ पे, तभी आप अंदर जा सकते हैं मंदिर के। और ये फ्री शू एंड मोबाइल स्टैंड है, एक यहाँ पे पेड शू और मोबाइल डिपॉजिट काउंटर भी है जिसमें 5-10 रुपये आपके लगेंगे, तो आप अपने जो जूते और मोबाइल है वो रख सकते हैं। ये देखिए नई बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल की सर्विस भी शुरू की गई है। मंदिर के आसपास एक जगह से दूसरी जगह आसानी से जा सकते हैं और बिल्कुल फ्री में जा सकते हैं, और ये एक नहीं काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएंगी यहाँ पर, बिल्कुल फ्री सर्विस है ये। मंदिर के अंदर अगर आपने दर्शन करने हैं तो यहाँ से लाइनें लगनी शुरू होती हैं और आगे जाके वो और बढ़िया कर दी जाती हैं। तो इधर आप अंदर देख सकते हैं क्यू मैनेजमेंट काफ़ी बढ़िया कर दी गई है, और अंदर यहाँ एसी है, सारा एयर कंडीशनड है, और आप लाइनों में लग के आराम से दर्शन कर सकते हैं 2-3 घंटे में। अंदर फ़ोन से दिखाना अलाउड नहीं है, इसलिए मैं आपको बाहर से ही दिखा पा रहा हूँ जो भी दिखा पा रहा हूँ। देखिए यहाँ पर लिखा है इनसाइड एयर कंडीशन टनल। यहाँ से आप ऊपर का दृश्य देख पा रहे होंगे मंदिर का, और मंदिर के देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 गेट हैं, और ये मंदिर के जो इस तरफ का एरिया है चौड़ा कर दिया गया है, खुला कर दिया गया, तो आप आराम से परिक्रमा कर पाएंगे मंदिर के। तो आज तारीख है 17 जनवरी 2024, और ये जो नया कॉरिडोर है ये खुल गया है। सारा का सारा कॉरिडोर आपको इस वीडियो में दिखाएंगे, रात का दृश्य दिखाएंगे आपको इस वीडियो में। तो मंदिर के परिक्रमा की स्टार्टिंग यहाँ से होती है, और ये 75 मीटर लंबा कॉरिडोर है, और इस कॉरिडोर के इस तरफ यहाँ पे वाहनों के लिए एरिया बना रखी है आने जाने के लिए, और इस तरफ यहाँ पे चलने फिरने के लिए एरिया बना रखा है। तो मंदिर के पास का जो पैदल चलने का एरिया है इसको काफ़ी खुला कर दिया गया है, काफ़ी ज़्यादा कर दिया गया है। इधर आप देख सकते हैं ये सामने मंदिर है, और अभी हम सिंह द्वार की तरफ खड़े हुए हैं। ये सिंह द्वार का एरिया है, और ऐसे 4 गेट हैं, और एक उस तरफ है, एक उस तरफ है, एक इस तरफ है, यानी कुल 4 गेट हैं। तो मंदिर के परिक्रमा प्रोजेक्ट का उद्घाटन हो रहा है, इसलिए यहाँ पे लोगों में काफ़ी ज़्यादा उत्साह है। इसके अलावा ये आप बीच में देख सकते हैं ये पेड़ लगाए गए हैं, पहले नहीं होते थे ये नए परिक्रमा प्रोजेक्ट में, यहाँ पे पेड़ लगाए गए हैं इस तरफ। और ये देखिए अब मंदिर के लिए अगर आपको जाना होगा तो इस तरफ से लाइनें जाती हैं आगे की तरफ। तो इस परिक्रमा प्रोजेक्ट में आसपास के एरिया को, मंदिर के आसपास के एरिया को एक मॉडर्न रूप दिया गया है, एक मॉडर्न पिलग्रिमेज सेंटर बनाया गया। और यहाँ पे क्या है कि आपको क्लोक रूम, बैगेज फैसिलिटी नए बनाए गए हैं। ये दूसरे द्वार की तरफ का भी आपको एरिया दिखाएंगे, अभी सिंह द्वार के पास भी हम खड़े हुए हैं। देखिए ये नई लाइनें वगैरह हैं जो बनाई गई हैं, क्यू मैनेजमेंट काफ़ी अच्छा किया गया है, और ये जो लाइनें हैं ये उस तरफ से चलती हुई आ रही जो मैंने आपको दिखाई थी। और फिर सामने आप वहाँ सामने से एंट्री करेंगे सिंह द्वार की तरफ से। तो इस कॉरिडोर की एक ख़ास बात यह है कि आप 75 मीटर के इस परिक्रमा कॉरिडोर में कहीं भी चलते जाइए, ऐसे करके आपको हर तरफ से मंदिर दिख जाएगा। वैसे भी हम यहाँ पे खड़े हैं, मंदिर यहाँ सामने है, तो सुबह का दृश्य एक अलग दृश्य होता है, और अभी शाम या रात का दृश्य एक अलग दृश्य है। यहाँ पर सारे श्रद्धालु यहाँ से अंदर जा रहे हैं सिंह द्वार की तरफ से, 2-3 घंटे लगते हैं आपको मंदिर के दर्शन करने के लिए आजकल के टाइम के हिसाब से। तो अभी मैं सिंह द्वार के पास में हूँ, यहाँ पे देखिए कितना खुला एरिया है सारा का सारा, और अभी मंदिर का उद्घाटन हो रहा है इसलिए यहाँ पे देखिए दिए जलाए गए हैं मंदिर के परिक्रमा के पास, यहाँ पे दिए जलाए गए हैं, दीवारों के पास दिए जलाए गए हैं,
कितने ज़्यादा दिए हैं देखिए। और ये जो दीवारें देख रहे हैं ये भी बिल्कुल नई दीवारें हैं, पहले ये नहीं होती थी, अब होती हैं। तो मैंने अपने चैनल पे एक सुबह की भी वीडियो डाली है, सुबह के दृश्य की भी वीडियो डाली है, वो भी आप मेरे चैनल पे जाकर देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए इधर पेड़ पौधे भी लगाए गए हैं, तो ग्रीनरी भी काफ़ी ज़्यादा है यहाँ पे, ये नहीं कि सिर्फ एक कॉर्डर बनाया है, यहाँ पे ग्रीनरी का भी ध्यान रखा गया। सिंह द्वार के पास आपको यहाँ पे श्री काकुड़ का मंदिर दिख जाएगा, तो मंदिर के भी दर्शन कर सकते हैं। अब हम दूसरे वाले द्वार के पास में जा रहे हैं, तो अब आपको इस वाले द्वार के पास का दृश्य दिखाते हैं। देखिए दूसरे द्वार की तरफ आप जाएंगे तो कोने पे आपको इस तरीके से दिखेगा। अभी के टाइम यहाँ पे दिए जलाए गए हैं। और यहाँ पे आपको ऐसे जगह जगह पे बोर्ड्स भी दिख जाएंगे जहाँ पे एग्ज़िट, वॉशरूम, क्लोक रूम या फिर मंदिर के जो द्वार हैं उनके बारे में आपको आप लिखा हुआ मिलेगा। देखिए ग्रीनरी के बीच में यहाँ पे कितना अच्छे से मेंटेनेंस किया। और आप इधर से भी चल सकते हैं, ऊपर की तरफ से भी जा सकते हैं। तो ये जो स्ट्रीट लाइट्स लगाई गई हैं ये भी बिल्कुल ब्रांड न्यू है, पहले इस टाइप की नहीं होती थी, अब नए टाइप की यहाँ पर लगाई गई है। और यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है स्मोकिंग अलाउड नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर ये पेड़ पौधे भी तोड़ना अलाउड नहीं है। तो इस ग्रीनरी के बीच में भी देखिए किस तरीके से यहाँ पे लाइट्स लगाई गई हैं। और इधर आपको यहाँ वॉशरूम फैसिलिटी मिल जाएगी, क्लोक रूम फैसिलिटी मिल जाएगी, इसके अलावा यहाँ पे शेल्टर भी एक बनाया गया। देखिए यहाँ से कॉर्डर कितना सुंदर लग रहा है, दृश्य कितना सुंदर है। देखिए ये जो एरिया है ये वाली यहाँ पे बैठने के लिए जगह बनाई हुई है, एक इस टाइप की लाइट लगाई गई है और एक दूसरी उस टाइप की लाइट लगाई गई है यहाँ पर, ये वाली पिलर वाली लाइट है। इस तरीके से यहाँ पे सीढ़ियों में यहाँ पे भी लाइट्स लगाई गई हैं। देखिए सुबह के वक्त ये लाइट्स दिखती नहीं है पर अभी का टाइम दिख रही है। ये जो गेट देख रहे हैं ये साउथ गेट है मंदिर का।
देखिए यहाँ पे कितने सुंदर तरीके से दिए जलाए गए, और यहाँ बीच में आप देख सकते हैं ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी भी मिल जाएगी, पीने का पानी भी है। इस तरीके से आपको साइड पे शेल्टर पवेलियन भी दिख जाएंगे, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं आप। देखिए यहाँ पे है श्री पंजाबी मठ, ऐसे कई मठ आपको दिख जाएंगे अलग अलग द्वारों के पास में। किसी भी तरफ ले जाइए आपको हर तरफ से मंदिर दिख जाएगा। अब हम तीसरे द्वार की तरफ जा रहे हैं और इसके बाद एक लास्ट और द्वार दिखाएंगे। ये वाला जो द्वार है ये है व्याघ्र द्वार। देखिए यहाँ पे और भी सुंदर लाइटिंग है, इधर भी पीछे वॉशरूम मिल जाएंगे, क्लोक रूम मिल जाएंगे, और वैसे ही शेल्टर पवेलियन भी मिल जाएंगे। एक बड़ी अच्छी बात मुझे ये लगी कि यहाँ पे वाहन जो है डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं और आप आराम से चल फिर सकते हैं। वाहनों का एरिया अलग कर दिया गया। देखिए यहाँ भी ड्रिंकिंग वाटर फैसिलिटी है। ये जो आप पीछे देख रहे हैं ये है क्लोक रूम, यहाँ अपना बैग वगैरह रख सकते हैं आप। ये वाला मंदिर का तीसरा द्वार है। व्याघ्र द्वार और एक लास्ट द्वार आपको दिखाते हैं अब। देखिए सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी शेल्टर पवेलियन बनाया गया है, बिल्कुल सेम उसी तरीके से। और मैंने सुना है कि शायद कुछ इलेक्ट्रिकल रूम भी हैं जो नए बनाए हैं। अब व्याघ्र द्वार के बाद हम जा रहे हैं हस्ती द्वार की तरफ, जो कि चौथा द्वार है। और यहाँ पे बिल्कुल कोने पे आपको श्री भगवती मंदिर दिख जाएगा। देखिए इस तरीके से यहाँ भी बैठने के लिए एरिया बना रखी है, और ये वाली एरिया सबसे बड़ी एरिया लग रही है मेरे को, जो व्याघ्र द्वार और हस्ती द्वार के बिल्कुल पास में है वो वाली एरिया। ये नरसिंह मंदिर काफ़ी ज़्यादा। और ऐसे कुछ और मठ आपको देखने को मिलेंगे हस्ती द्वार के पास में। यह श्री शंख चक्र मठ। देखिए इस तरफ भी काफी ज्यादा ग्रीनरी है। ये बिल्कुल मैं अभी हस्ती द्वार के सामने वाले एरिया के पास खड़ा हूँ। ये देखिए ये सामने हस्ती द्वार है।
देखिए ये वाली टू व्हीलर पार्किंग एरिया है, और टू व्हीलर पार्किंग आपको अलग अलग एरिया के पास मिल जाएगी, अलग अलग गेट के पास मिल जाएगी। देखिए यहाँ पे लिखा है टू व्हीलर पार्किंग, कार पार्किंग दूसरी साइड पे। देखिए मैं एक नई बिल्डिंग की तरफ लेके जा रहा हूँ आपको, शायद कार पार्किंग की बिल्डिंग है। और इधर लाइटें देखिए कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत सुंदर लाइटें लग रही हैं। इधर की जो रोड्स हैं इसको भी काफ़ी बढ़िया किया गया, धीरे धीरे करके लाइटें जो हैं नीचे की तरफ आ रही हैं। यहाँ आसपास के घरों को तोड़ा गया है और यहाँ की जो रोड है उसको खुला किया गया, काफ़ी घर ऐसे जो तोड़े गए हैं। महाप्रभु सहाय